बहुत बहुत धन्यवाद जीएस विवेक। और उधर गृह मंत्री अमित शाह आज क्योंकि बंगाल पहुंचे हुए हैं और अब वो बेलाजूरी गांव पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें एक किसान के घर पर भोजन करना है और उसके बाद वो रैली को संबोधित करेंगे। देखिए, किसान बिल को लेकर लगातार एनडीए सरकार का विरोध चल रहा है, किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है किसान के घर पर ये भोजन करना। बेलाजूरी गांव में गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन भी किए, महामाया मंदिर में भी पूजा अर्चना की और जो सबसे बड़ा अगर कहा जाए चुनौती आज वो देने जा रहे हैं तो वो मिदनापुर की रैली से ममता बनर्जी सरकार को देने जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के कहा जाए जो सबसे मजबूत स्तंभ था शुभेंदु अधिकारी, वो उस मंच पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद होंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, बेलाजूरी गांव पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर वो एक किसान के घर पर भोजन करेंगे। और देखिए, इस तरीके की तस्वीरें जब आती हैं सामने तो इनका अपना एक महत्व होता है चुनावी मौसम में, और उस महत्व को आप समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हर महीने दौरे कर रहे हैं बंगाल के, तो ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती वो खड़ी कर रहे हैं, कितना संकट वो आने वाले चुनावों में खड़ा कर रहे हैं, उसका भी आप अंदाजा लगाइए। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह बेलाजूरी गांव में किसान के घर पर भोजन करने पहुंचे हैं और यहां पर ये कुछ देर रुकेंगे और लगभग आधे घंटे बाद चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। नीरज पांडे का मैं रुख कर लेती हूं, नीरज वहां पर मौजूद है। नीरज, बताइए क्या अपडेट इस समय का? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।